अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया अजमल के शरबत सदर का रिव्यू, और देख लेते हैं ये कैसा सिरप है और इसके फायदे और नुकसान भी जान लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अजमल का शरबत सदर, या इसे यूं भी कह सकते हैं शरबत सदर अजमली, जैसे कि ऊपर इसके लिखा हुआ है। 120 ml की ये पैकिंग है, और इसके देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। उर्दू में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, यूजेज यहाँ लिखा है। मैं आगे चल के इसके बताता हूँ। ये इसकी जो बोतल है, आपको पता है ये मैं घर लेके आया था, तो घर वाले क्या हशर करते हैं, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी कीमत जो है 130 रुपये। घर वाले कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते, हर चीज़ के ऊपर सामान जब फेंकते हैं वो हर चीज़ धर्म भरम हो जाती है। अच्छा जी, ये इसकी बोतल है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन इसका अजमल वाले अपने सिरप्स का बनाते हैं, और इसकी रंगत ये आप देख सकते हैं। आगे फ़वाइद और नुकसान इसके मैं बताता हूँ। नुकसान वैसे कोई है नहीं, तो फ़ायदे ही बताऊँगा। अब अगर शरबत सदर के फ़वाइद की बात करते चलें, तो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए इक्वली फ़ायदेमंद है। और इसमें ये आ जाता है कि अगर आपको फ्लू है और अगर ज़ुकाम जो है जमा हुआ है, रेशा यहाँ पे जम जाता है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके अलावा गले की सोजिश और गले की खराश, सोजिश कहते हैं सूजन, वरम, गले के वरम में काफ़ी मुफीद है, खराश में मुफीद है, गले में दर्द हो तब भी मुफीद है, और आपकी आवाज़ अगर बैठ गई है यानी कि निकल नहीं रही है तो उसके लिए भी ये मुफीद है। और इसके अलावा ये शरबत सदर वो लोग लेते हैं जिन्हें एस्थमा की भी शिकायत होती है, सांस का प्रॉब्लम होता है, लंग्स का प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, फेफड़ों का अगर कोई मसला हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो आप शरबत सदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे ये काफ़ी फायदेमंद है, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है इसके इस्तेमाल से। और इसकी प्राइस जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 130 रुपये इसकी कीमत है। अगर इसका कंपैरिजन कर्शी के एस्थमीना से किया जाए तो ये बेस्ट है, और इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है कर्शी के एस्थमीना से। और शरबत सदर की जो सेल है वो कर्शी के एस्थमीना से ज़्यादा भी है, तो काफ़ी अच्छा ये सिरप है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो अगर व्यूअर्स आपने ये परचेज करना है तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ऑर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर बच्चों को इस्तेमाल करवाना है तो एक जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है वो एक टाइम या दो टाइम आप उन्हें इस्तेमाल करवाएं, और अगर किसी बड़े ने इस्तेमाल करना है तो खाने के 2 चम्मच दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करें। अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।